Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 6 exercise 6.3 class 8 question number 4. Okay. Find the square root of the following numbers by the prime factorization method. Prime factorization method already मैं बता चुकी हूँ कि कैसे की जाती है और उसी method से हमें क्या करना है square root find करनी है. स्क्वायर रूट फाइंड करने की इसका मतलब है कि जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेंगे वो उनका पेयर जो है ना, हम सबसे पहले उसे पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग करने के बाद हर एक पेयर से एक एक डिजिट लेंगे और उनका जब हम मल्टीपल कर देते हैं तो वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विच इज 729. ओके, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए कहा जा रहा है. दैट्स वाई हम उनका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर ढंग से यही पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी सॉल्यूशन का पार्ट है. 29 ओके, 3 टाइम 2 देन 4 एंड 3 टाइम 1 3 टाइम 27 3 टाइम 9 3 टाइम 3 एंड 3 टाइम 1. ओके, यू कैन राइट लाइक दिस. 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1 2 3 पेयर आ गए तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 3 3 इज अ 9 9 3 इज अ 27 यानी कि ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 927 होंगे. नेक्स्ट 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट विच इज 400 का प्राइम फैक्टर करेंगे. 2 2 जा एंड 2 0 2 1 जा 1 0 सॉरी 2 0 2 देन हियर 15 2 25 5 5 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 ये पेयरिंग हो गई. यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 2 2 जा 4 5 4 5 जा 20. ओके, स्क्वायर रूट उसका 20. नेक्स्ट पार्ट थर्ड विच इज 1764 इतना नीचे कर दूंगी तो फिर स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी. हम ना 2 8 2 जा अगेन 8 देन 2 2 टाइम्स 4 4 1 मे बी 3 टाइम 1 जा नो 3 टाइम्स नहीं आएंगे 7 टाइम 3 times. Okay. 3 times 1 ja, then 1, 4. 4 and 7. Okay. Now again 3 times. 4 times and 9. Then 7 and 7. 7. We get here. 2 multiple 2, multiple 3, multiple 3, multiple 7, multiple 7. ये रही pairing. 2 multiple 3, multiple 7. आपको पता है सारे पेयर से हम एक एक डिजिट को ले करके उसे मल्टीपल जब करते हैं तो वो हमारा स्क्वायर रूट नंबर होते हैं. 3 2 जा 6 6 7 जा 42. ओके, फोर्थ पार्ट विच इज 4096. अभी तक तो आपको काफी समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके खुद भी इसकी ट्राई कर सकते हो, जरूर बन जाएगा आपसे. ओके, 2 टाइम्स 2 0 4 8 2 टाइम 1 0 2 4 अगेन 2 टाइम 5 1 2 अगेन 2 टाइम. हम इसमें सबसे बड़ी बात है जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो डिजिबिलिटी टेस्ट वाले बहुत काम आता है. यहाँ पे हम यहाँ पे जो मतलब बार बार अब ऐसे चेक करेंगे उन्हें डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम की वेस्टिंग होगी. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अच्छे ध्यान से उसे उसके उस चैप्टर को आप क्लियर करो जिससे कि आपको ये सारे पार्ट्स में जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो इसमें आपको हेल्प मिल पाएगी. देन 2
2 2s are 4 and 2 5s are 2 6s. Again 2 times 1 2 8. Again 2 times 6 and 4. Again 2 times 32. Again 2 times 16. Again 2 times 8. Again 2 times 4. Again 2 times 2 and again 2 times 1. Okay. We get here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 times 2. 2 multiple 2 multiple 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pair. 2 multiple 2 multiple 2 multiple 2 multiple 2 multiple 2. Okay, 2 2s are 4, 2s are 8, 16, 32, 64. Okay, 64 is square root of 4096. Next part, which is fifth part, 7744. Okay, 7744, 2 times, then 2 3 ja 6. And 2 8 ja 16, then 2 7 ja and 2 8 ja. 2 times 1, 1 and 8, 9, then 3 ja and 6. Again 2 times 9 and 2 6, 6 2 ja 12 and 8. 4, 8 and 4. Again 2 times 2, 4, 2. 2 times 1, 2, 1. And here 11 times. 11, 11, ja 121. Okay, we get here 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 11 multiple 11. 1, 2, 3 and 4. 2 multiple 2 multiple 2. 3 pairs and 11. 2 to the 4. 4 to the 8. 8 11 ja 88. Next part, which is 6th part. Okay. 9 6 0 4. 2 times 4 8 0 2. 2 times 2 4 0 1. अब यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 से तो नहीं आएंगे, तो 1 जिसमें आया या तो हम उसे 3 टाइम्स ले सकते हैं, या तो फिर 7 टाइम, ओके 9 टाइम, तो अगर मैं 3 टाइम्स लेती हूँ तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 टाइम 3 से डिवाइड होने के लिए इनका जो सम है वो आनी चाहिए 3 का डिविजिबल, बट ये 4 प्लस 2 6 एंड प्लस 1 7 है जो कि डिविजिबल नहीं है, दैट 7 से लेती हूँ. So 7, 3 ja 21 and here we get here 3 0. So 7 4s are 28, 2 1. Okay. Again maybe 7 times 7 4s are and here we get 63. Then तो डिजिबिलिटी टेस्ट अगर जो डिजिबिलिटी टेस्ट है उसको आप अच्छे से जब उसकी स्टडी करते हो उस पर पूरा कंसीडर मतलब अपना कंसंट्रेशन डाल करके तो क्या होता है कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है. तो प्लीज़ फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिजिबिलिटी टेस्ट को ध्यान से पढ़ो. Two multiple 7 multiple 7. 7 2s are 14 and 14 7 ja 17. Okay. Now I rub here. Okay. मैं इसे रब कर रही हूँ और आगे की सोल्यूशन क्योंकि अभी 4 parts और भी बाकी हैं. 6th तक मैं कर दी. 7th part which is 5 9 2 9. 5 9 2 9. ओके, यहाँ 9 है
वो या तो वहाँ पे 3 से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर 3 से करने के लिए तो सबसे पहली बात है कि हम इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 18 प्लस 2 20 एंड 20 प्लस 5 25 जो है वो 3 का डिविजिबल है, 3 का डिविजिबल सॉरी नहीं है। तो अब मैं इसे पर मैं 7 टाइम लू, सेवन देन 5 9 2 9 3 2 4 and 9 है ना, ये 7 7 जाके 8 4 7 ओके। नाउ अगेन 7 टाइम 1 and 2 ओके। नाउ 3 टाइम 11 टाइम 7 multiple 7 multiple 11 multiple 11 ओके। दिस इज द पेयर 7 multiple 11 आंसर इज 77 ओके। नेक्स्ट पार्ट विच इज 8th पार्ट 9216 इसके लिए क्या होंगे 2 यानी कि 4 6 0 8 2 टाइम 2 3 0 4 2 टाइम 1 अगेन 1 and 5 2 अगेन 2 टाइम 5 2 are 10 and 7 6 अगेन 2 टाइम 2 and 8 अगेन 8 अगेन 2 टाइम 1 4 4 अगेन 2 टाइम 7 and 2 मैं इसे यहाँ पे 2 टाइम देन 36 2 टाइम 84 इसे मैं थोड़ा और ऊपर 72 2 टाइम देन 36 2 टाइम देन 18 2 टाइम 9 3 टाइम 3 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 2 हो गया 2 multiple 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 multiple 3 पेयरिंग बन गई 5 पेयर हो गए 2 का और 1 पेयर हो गए 3 का 2 2 4 2 8 16 2 32 32 3 96 ओके 96 इज रूट ऑफ 9216। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट सॉरी 9th पार्ट विच इज 529 ये बहुत ही आसान है क्योंकि 529 का एक ही मल्टीपल एक ही डिविजिबल है जो कि 23 है ना 23 मल्टीपल 23 ये वन पेयर है 23 इसके आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट ये भी काफ़ी आसान है ओके 8100 ऐसे भी कर सकते हो आप 2 जीरो हैं तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा उसका सिंगल जीरो होगा और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर नंबर है तो इसका आंसर 90 आएगा बट हमें करके सॉल्व करके देना है। देन 3 टाइम 2 times 7 0 0 sorry 3 times 900 3 times 300 3 times 100 2 times 50 2 times 25 5 times 5 5 times 1 then you get here
3 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 5 1 pair 2 3 × 3 × 2 × 5 3 × 3 = 9 9 × 18 18 × 5 = 90 देखो 90 आया ना। आई होप अब तक इतने सारे स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। एंड अगेन फिर से मैं एक बात आपको रिपीट कर रही हूँ कि इसके लिए सबसे पहले डिजिबिलिटी टेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर डिजिबिलिटी टेस्ट आप अच्छे से जानते हो तो स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी आसान होगा। नाउ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर जरूर करें।